भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल एक इंटरव्यू दे रहे थे। पत्रकार राजीव शुक्ला ने उनसे पूछा, आपके दोनों बेटे रणजीत और ओमप्रकाश के बीच लड़ाई क्यों रहती है? देवीलाल का अपना ही अंदाज था, भरभराती आवाज में बोले, अब आप मुझसे ये भी पूछोगे कि वीपी सिंह और अर्जुन सिंह की लड़ाई क्यों रहती है? ये लड़ाई तो रहती है राज के काम के लिए, दोनों पॉलिटिक्स में हैं, दोनों मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसका इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास, इसका इलाज यही है कि एक को मानो दूसरे को छोड़ो। देवीलाल ने ओमप्रकाश चौटाला की मानी। आज देवीलाल के गुजर जाने के डेढ़ दशक बाद उनके पुत्र ओमप्रकाश चौटाला के सामने भी यही सवाल है। दोनों बेटे अजय और अभय में से किसे वारिस बनाएं और अजय के बागी हो चले सांसद बेटे दुष्यंत और संगठन देख रहे दिग्विजय का क्या करें? 7 अक्टूबर 2018 को सोनीपत के गोहाना में चौटाला परिवार की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने रैली की देवीलाल के सम्मान में। नाम रखा सद्भावना सम्मान रैली, मगर यही परिवार की सद्भावना बिगड़ गई। हिसार से सांसद और चौधरी देवीलाल के परपुत्र दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करते हुए रैली स्थल और फिर मंच पर पहुंचे। इसी बीच दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारा सीएम कैसा हो, दुष्यंत चौटाला जैसा हो। फिर बारी आई दुष्यंत के चाचा और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष अभय की, मगर दुष्यंत समर्थक हल्ला और नारेबाजी करते रहे। दुष्यंत के भाषण के दौरान सब चुप रहे, मगर दुष्यंत भाषण देकर जैसे ही अपनी जगह पर बैठे, दादा ओमप्रकाश ने उन्हें हाथ का इशारा कर बुलाया और फिर मंच पर ही डांट लगा दी। फिर बोलने की बारी आई ओपी चौटाला की, उन्होंने कहा, केवल नारे से काम नहीं चलता, अगर नारे से काम चलता तो मैं एकलाई चला लेता। ये जो फर्जी ताली पटका करते हैं, नारे लगाते हैं, ये तो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। या तो सुधर जाएं, अन्यथा ये मान के चलें कि चुनाव से पहले इस प्रकार के लोगों को हम पार्टी से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने दुष्यंत के छोटे भाई और रैली में युवाओं की भीड़ जुटाने वाले दिग्विजय के पर कतर दिए। दिग्विजय इनेलो के स्टूडेंट और यूथ फ्रंट के मुखिया थे। ओपी चौटाला ने आनन फानन में इसकी सब जिला इकाइयाँ भंग कर दी। हिसार और दादरी के जिला इकाइयों के प्रधान भी बदल दिए गए। इन्हें दुष्यंत का करीबी माना जाता है। और भी कई बदलाव हुए। अब पलड़ा अभय चौटाला ग्रुप का भारी हो गया। दुष्यंत पापा अजय चौटाला के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इस झगड़े की शुरुआत दरअसल बहुत पहले हो चुकी थी, एक घटना जो इस मनमुटाव का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस विवाद का सबसे पहला कारण 3 अक्टूबर 2018 को गुड़गांव में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इसमें ओमप्रकाश चौटाला ने अभय चौटाला की तारीफ की, लेकिन युवा नेता दुष्यंत चौटाला का नाम तक नहीं लिया। सारे कार्यकर्ताओं ने इसे दिल पे नहीं लिया, लेकिन दुष्यंत के कट्टर समर्थकों ने इसे अपना अपमान समझा और यहीं से आगे के विरोध के लिए जमीन तैयार हो गई। इसके बाद 6 अक्टूबर को अभय चौटाला गोहाना में होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। गुड़गांव की घटना से नाराज दुष्यंत चौटाला समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इन घटनाओं के बाद जो कसर रह गई थी वो रैली में पूरी कर ली गई। मगर अजय और अभय के बीच ये जंग छिड़ी ही क्यों, इसे समझने के लिए आपको चौटाला परिवार का फैमिली स्ट्रक्चर समझना होगा। देवीलाल के 4 बेटे हैं, ओमप्रकाश चौटाला, रणजीत चौटाला, प्रताप और जगदीश। इनमें से पहले 2 सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। देवीलाल के उप प्रधानमंत्री बन जाने और दिल्ली चले जाने के बाद उत्तराधिकार की जंग शुरू हो गई, जिसे अंततः ओपी चौटाला की जीत हासिल हुई। नाराज रणजीत ने कांग्रेस ज्वाइन कर लेने के बाद पार्टी का सारा कामकाज ओमप्रकाश चौटाला के हाथों में आ गया। ओमप्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अजय और अभय भी राजनीति में हैं। जेबीटी घोटाले के चलते जेल जाने से पहले ओमप्रकाश चौटाला जींद के उचाना कला से चुनाव लड़ते थे और अजय सिरसा के डबवाली से। अभय सिरसा की ही एलनाबाद सीट से विधायक हैं। अजय चौटाला के दोनों बेटे भी राजनीति में हैं। बड़े बेटे दुष्यंत हिसार लोकसभा सीट से सांसद हैं और छोटे बेटे दिग्विजय इनेलो के यूथ विंग के सर्वेसर्वा हैं। अभय चौटाला के बेटे करण अर्जुन भी राजनीति में सक्रिय हैं, हालांकि वो अभी पार्टी रैलियों में मंच पर नहीं देखे जाते। देवीलाल के दूसरे बेटे रणजीत सिंह बहुत पहले कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उनके एक बेटे प्रताप भी राजनीति में सक्रिय हैं। रणजीत सिंह 1987 में हरियाणा की 7वीं लोकसभा में सिरसा के रोड़ी से विधायक की सीट जीते थे। देवीलाल के तीसरे बेटे जिन्हें लोग नहीं जानते वो हैं जगदीश। उन्हें शराब की लत थी और एक बार महिला से बदतमीजी को लेकर सुर्खियों में रहे थे। जगदीश के बेटे आदित्य और अनिरुद्ध चौटाला ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। चौथे बेटे प्रताप सिंह चौटाला 1967 में केवल एक बार कांग्रेस के सीट पर एलनाबाद से विधायक रहे। 2014 में उनकी मौत हो गई। ओमप्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रहे। 2008 में सामने आए जेबीटी घोटाले में अजय और ओपी के अलावा 52 लोगों पर पैसे लेकर टीचर भर्ती करने के आरोप लगे थे। 1999 में ओमप्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 3,206 जूनियर बेसिक टीचर्स की भर्ती हुई थी, जिसमें ओमप्रकाश और उनके बेटे अभय चौटाला पर आरोप साबित हुए।
जनवरी 2013 में कोर्ट ने 10 साल की सजा का आदेश दिया। इसी घोटाले की सजा काट रहे ओम प्रकाश अब स्वास्थ्य कारणों के चलते पैरोल पर बाहर आते जाते रहते हैं। हरियाणा में 1999-2000 के दौरान 3,206 जेबीटी टीचर्स की भर्ती की गई थी। इसी भर्ती में गड़बड़ी के कारण चौटाला अपने बेटे अजय और सरकार के 3 बड़े अफसरों के साथ 10 साल की जेल काट रहे हैं। उन पर आरोप थे कि इस भर्ती में 3 से 4 लाख रुपए प्रति टीचर लिए गए और अपने मनपसंद लोगों को भर्ती किया गया। हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में अफसर रहे संजीव कुमार ने इस घोटाले का भंडाफोड़ किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर यह आरोप लगाया कि चौटाला ने उन पर पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बदलने का दबाव बनाया। संजीव कुमार के साथ साथ अफसर विद्याधर और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह को भी जेल हुई। इनेलो की मुख्य ताकत जाट किसान वोटर हैं। पार्टी रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार बेल्ट में राज्य के अन्य हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है। पार्टी का लोकसभा में प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। 2004 और 9 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 10 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2009 में इनेलो भाजपा के साथ गठबंधन में थी। पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन 1999 के लोकसभा चुनाव में था, जब भाजपा के साथ गठबंधन में पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। हरियाणा की बाकी लोकसभा सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे और वो सभी लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे। इसके बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 14 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2014 में पार्टी के युवा नेता दुष्यंत चौटाला हिसार और चरणजीत सिंह रोड़ी सिरसा सीट से चुनाव जीते। विधानसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी 2000 के चुनाव में 90 में से 47 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही थी, लेकिन 2005 के चुनाव में केवल 9 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 67 सीटें जीती और सरकार बनाई। 2009 के चुनाव में पार्टी एक बार फिर उभरी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। कुल 31 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए ज़रूरी आंकड़े से बहुत दूर थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 19 सीटें जीती और दुष्यंत के चाचा अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष चुने गए। झगड़े की एक वजह अभय और अजय की राजनीतिक असुरक्षा भी है। अजय के दोनों बेटे राजनीति में हैं, जबकि अभय के बेटे अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं। एक दौर में देवीलाल के सहयोगी रहे रणसिंह मान जी ने हमें बताया, इनकी लड़ाई दरअसल पार्टी को हाईजैक करने की है। अभय को ये लग रहा है कि जब तक उनके बच्चे राजनीति में आएंगे, तब तक दुष्यंत और दिग्विजय पार्टी में अपनी जगह बना चुके होंगे। उस वक्त उनके लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। आप इनसे देवीलाल के काम पूछिए, एक नहीं बता पाएंगे। बस इन्हें उनकी विरासत चाहिए, वोट मिलते रहें, ये किसी के नाम की माला जपने को तैयार हैं। वहीं कुछ राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि ये ड्रामा है, पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए किया जा रहा है। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा ने हमें बताया, युवाओं के बीच दुष्यंत काफ़ी पॉपुलर हैं। वो चाहते हैं कि अगर इनेलो चुनाव जीते तो दुष्यंत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये सब इतना स्पष्ट भी नहीं है जितना दिख रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश में हुए ड्रामे जैसा कुछ लग रहा है, जिसमें अखिलेश को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए मुलायम सिंह के खिलाफ दिखाया गया और बाद में सब एक हो गया। जब आपकी कोई छवि नहीं होती तो उसका निर्माण ऐसे ही किया जाता है, फिर आपको उस छवि के लिए भी वोट मिल सकते हैं जो आपकी है ही नहीं। दुष्यंत चाहकर भी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही संगठन को संभाल कर रखा है, लेकिन राजनीति में कई बार वो सब भी करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। दुष्यंत को इन सब से दूर रहना चाहिए, आज नहीं तो कल लोग उनके लिए वोट करेंगे ही। अब ये ड्रामा है या हकीकत कह नहीं सकते, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उनके हिसाब से चौटाला की पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है, जो आगे चलकर नुकसान ही करेगा। अब नुकसान संगठन का होगा या किसी नेता का, कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ताज़ा पोजीशन ये है कि दुष्यंत बगावती हो चुके हैं, कह रहे हैं कि पार्टी द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अलग पार्टी बनाने की बातें भी चल रही हैं। कहीं भाषण देते हैं तो लोग दुष्यंत जिंदाबाद और अभय जिंदाबाद के नारे लगाकर दो धड़ों में बटे दिखाई देते हैं। जो भी हो, आने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। शुक्रिया।